तो कैसे हैं आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल गॉड गेमर्स इन्फो में। और आज हम हमारे वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप जंप वन टैप हेडशॉट मार सकते हो एकदम 5 इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो देखो एंड तक, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स है और एकदम इजी ट्रिक्स है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, लगा दें इंट्रो। तो वन टैप हेडशॉट होता है दो टाइप का, एक है ड्रग वन टैप हेडशॉट और दूसरा जो है जंप वन टैप हेडशॉट। जो ड्रग वन टैप हेडशॉट है वो हम पिछले वीडियो में जो बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन में भी लिंक है, जाके देख लेना। और आज का वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप जंप वन टैप हेडशॉट मार सकते हैं एकदम इजी। आते हैं हमारे पहले नंबर पे स्टेप, जो टिप्स है जो सेट योर एम पोजीशन, मतलब कि आपका एम पोजीशन आप किधर रखोगे। तो आप अगर लोएस्ट डिवाइस में खेल रहे हो तो आपका एम पोजीशन ठीक एनिमी के नीचे होना चाहिए, क्योंकि इस डिवाइस में क्या होता है कि अगर आप नीचे रखोगे एनिमी के तो आपका जो एम पोजीशन है यानी कि रेड डॉट वो चेस्ट में जाके नहीं अटकेगा। आप जब ड्रॉप कर रहे हो तो एकदम जाके सीधा हेड में ही लगेगा। सो लेट्स बैक टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, देन रोटेट स्क्रीन फॉर सेट योर एम पोजीशन, मतलब कि आपका स्क्रीन रोटेट करना पड़ेगा और आपका एम पोजीशन आप किधर सेट करोगे। तो आपका एम पोजीशन रोटेट करने के साथ साथ आप कैसे सेट करोगे, अगर आप फायर कर चुके हो तो आपको क्या करना होगा कि रोटेट करके आपका जो एम पोजीशन है ठीक एनिमी के फिर से नीचे आना पड़ेगा। लाना लाने के साथ साथ फिर से आप ड्रग करोगे, फिर से गोली लगेगा, फिर से आप जो है नीचे लेके आओगे एम पोजीशन एकदम एनिमी के नीचे, फिर आप ड्रग करोगे एकदम जाके हिट लगेगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर में हम इधर दिखा रहे हैं कि देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं फिर हिट ड्रग करके, फिर ये देखो नीचे और फिर ड्रग हिट। तो ऐसे एकदम इजीली आप मार सकते हैं। तो आते हैं हमारे थर्ड नंबर स्प्लिट टेस्ट, जो है टेक द गन एंड देन जंप, मतलब कि आपको पहले गन लेना है फिर आपको क्या करना है, आपको ड्रग करना है। और तो कैसे करेंगे ये कि आप जब जो जंप कर रहे हैं, जंप करने के साथ साथ आप जब नीचे आ रहे हैं तो आपको फिर तब ड्रग करना पड़ेगा और ड्रग करने के साथ साथ एकदम जाके हेड में लगेगा। और आप कैसे ड्रग करोगे कि क्विक वेपन फिट करोगे फिर ड्रग करके हेड में लगाओगे। और आपको साथ ही साथ क्या करना होगा कि जब क्विक वेपन स्विच करने के साथ साथ जब हेड लग रहा है, हेड लगने के बाद आपको मिली वेपन स्विच पे आ जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एकदम बहुत आसानी से आप जो है ये कर सकते। तो आते हैं हमारे चार नंबर टिप पे, जो है यूज लेफ्ट एनालॉग बटन, मतलब कि आपका जो लेफ्ट एनालॉग बटन है वो आप कब यूज़ करोगे और कैसे यूज़ करोगे। तो अगर आपका एनिमी अगर आपके बाएं ओर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, जो लेफ्ट एनालॉग बटन है उसको आप दाईं ओर खींचेंगे फिर आप ड्रॉप करेंगे। और अगर आपका एनिमी दाईं ओर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, जो लेफ्ट एनालॉग बटन है आपको बाईं ओर खींचना पड़ेगा फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है एनिमी सामने से भी आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, जो लेफ्ट एनालॉग बटन है थोड़ा सा नीचे खींचना पड़ेगा फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपके एकदम इजीली एकदम सिंपली आप हेड लगा सकते हो। और एक बात जो है ये यूज एनालॉग बटन, इसका फुल डिटेल्स हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं तो जाके देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन में भी है तो जाके देख लेना। तो आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट में, ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, अब तक हमने जो बताया उसी का फुल डिटेल्स है कि एक्सप्लेनेशन, मतलब कि हम अब तक जो जो बता के आ रहे हैं वो हम डिटेल्स में फिर से बताएंगे कि पहले आपको क्या करना होगा, जो सेट योर एम पोजीशन, मतलब कि आपका जो एम पोजीशन है एकदम ठीक एनिमी के नीचे सेट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना होगा, जो क्विक ऑफेंस स्विच करके आपको गन लेना पड़ेगा हाथ में। और फिर आपको क्या करना होगा, जंप करने के साथ साथ आप जब नीचे आ रहे हो तो फिर आपको ड्रग करना पड़ेगा, ड्रग करने के साथ साथ आपको एकदम हेड लगेगा। और है एक जो लेफ्ट एनालॉग बटन, कि आपका एनिमी जब आपका बाई तरफ आ रहा है तो आपका लेफ्ट एनालॉग बटन जो है डाई ओर खींचना पड़ेगा, और जब आपका एनिमी डाई ओर आ रहा है तो आपका लेफ्ट एनालॉग बटन बाई ओर खींचना पड़ेगा। और जो है कभी कभार सामने से आ जाते हैं तो आपका लेफ्ट एनालॉग बटन नीचे खींचना पड़ेगा। तो ये था हमारा वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और बताने कि कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन में क्लिक करो और ऑल बटन में सेट करो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। मैंने की है मेहनत जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया।